नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हाल के दिनों में इतिहास और उसके पुनर्लेखन पर विमर्श बढ़ा है। इस दिशा में अरुण शौरी की किताब जाने माने इतिहासकार कार्यविधि दिशा और उनके छल महत्वपूर्ण है। इतिहास और उसके पुनर्लेखन की आवश्यकता पर अरुण शौरी की पुस्तक के आलोक में हम चर्चा करें, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूँ। उपनिवेश कालीन भारत में ब्रिटिश लेखकों अथवा इतिहासकारों ने हमारे अतीत की किस तरह व्याख्या की है, इसे एडवर्ड थॉमसन के इस उल्लेख से बेहतर समझा जा सकता है कि हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया है। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए जो साहस, जो समीक्षा शक्ति आवश्यक है, वह भारतीय इतिहासकार बहुत समय तक नहीं दे सकेंगे। रघुनंदन प्रसाद शर्मा की पुस्तक है भारतीय इतिहास का विकृतीकरण, उसमें एक उदाहरण मिलता है। अलबरूनी के यात्रा वृतांत में गुप्त संवत वाले उल्लेखों का फ्लीट ने बार बार अनुवाद करवाया। उसे वही अनुवाद चाहिए था जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता था। इसी तरह लेखक कोंटा वेंकट चलम की कृति है भारतीय इतिहास पर दास्ता की कालीमा। उल्लेख मिलता है सुधाकर द्विवेदी ने आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टम के पद में टीएस नारायण स्वामी के मना करने के बावजूद भी अवांछित परिवर्तन कर दिए थे। कोंटा वेंकट चलम ऐसा ही एक उल्लेख अपनी अन्य कृति द प्लांट इन इंडियन क्रोनोलॉजी में कहते हैं, पार्टीजर तो स्वरचित एक पद भारतीय पुराणों में घुसाना चाहते थे, जबकि वे इसके अधिकारी नहीं थे। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि जानबूझकर कितने ही क्षेपक हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे काव्यों, महाकाव्यों के भीतर घुसा दिए गए हैं, जिससे कि उनके निहितार्थों में परिवर्तन हो जाए। क्या यही आज जो सामाजिक विद्वेष फैला हुआ है उसका एक कारण तो नहीं? इतिहास को लेकर आज भी क्या हमारी वैसी ही स्थिति नहीं है? क्या आज भी हमने वामपंथी नैरेटिव के आगे सोचना समझना बंद नहीं कर दिया है? क्या हमने उनके 100 बार बोले गए झूठ को अक्षरक्षह सत्य नहीं मान लिया है? हमारी पाठ्य पुस्तकों का सच क्या है? इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमने इतिहास को रबर बैंड बनाकर रख दिया है, जिसे जिसने जैसे चाहा अपनी ओर खींचा। यही नहीं, अतीत के कितने ही संदर्भों को जानबूझकर दबाया छुपाया गया है, जिस पर चर्चा भी करो तो लाल सलाम की ऐसी चीख पुकार मचती है मानो इतिहास का दूसरा पक्ष सामने आ जाए तो इनके दबे छुपे राज खुल जाए। क्या आज हम नहीं जानते कि वो कौन सी विचारधारा है जो डाल्टन के एटम से तो सहमत है लेकिन कणाद के अणु से उसे असहमति? क्या हम आज नहीं जानते कि वो कौन सी विचारधारा है जिसे पाइथागोरस का थ्योरम तो सही लगता है लेकिन बोधायन का प्रमेय भाजपा का भगवा एजेंडा नजर आता है? यह तो मैंने कुछ उदाहरण भर दिए। कथित प्रगतिशीलता की साजिशें बहुत पुरानी। वाम विचारधारा ने हमारी शिक्षा व्यवस्था का किस तरह कूड़ा किया है, इसे परत दर परत खोलने के लिए अरुण शौरी की पुस्तक जाने माने इतिहासकार कार्यविधि दिशा और उनके छल बहुत महत्व की है। आप किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन भारतीय इतिहास आज किस परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसे जानने के लिए अरुण शौरी की यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण शौरी की इस पुस्तक में दिए गए निष्कर्षों को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, उन्होंने एक एक नामचीन इतिहासकार का नाम ले लेकर उनके कार्यों और छलों को दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया है। इस कृति में प्रमाण दिए गए हैं कि वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे सप्रयास मनगढ़ंत कहानियां रची और उन्हें इतिहास कहकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इतिहास लेखन के नाम पर बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस तुर्रे के साथ कि हम तो कोई तनख्वाह नहीं लेते, रिसर्च की आड़ में वे सरकारी खजाने को किस तरह निरंतर चूना लगाते रहे, इसका ब्यौरा इस पुस्तक में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, समयावधि पूरी हो जाने के बाद भी अनेक परियोजनाएं पूरी ही नहीं हुई, रिपोर्ट कभी जमा नहीं की गई। यह ऐसा बौद्धिजीविक घोटाला था जिस पर शायद हम आज भी बात करने के लिए तैयार नहीं है।
अरुण शौरी की पुस्तक को स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को जांच बिठानी चाहिए, जिससे कि बौद्धिक घोटाले उसकी पूरी नग्नता के साथ उजागर हो और नई पीढ़ी को ज्ञात हो सके कि स्थापित प्रतिमानों के लिखे हुए को ही पत्थर की लकीर मान लेना उचित नहीं है। अरुण शौरी की इस कृति में पश्चिम बंगाल में वाम शासन के दौरान किस तरह इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में छेड़छाड़ की गई, उसमें वाम विचारधारा का मुलम्मा चढ़ाया गया, इसे जानना महत्वपूर्ण है। छात्रों में वामपंथ की ओर रुझान बढ़े, इसके लिए जो ब्रेन वॉश मैकेनिज्म अपनाया गया था उसका उदाहरण कक्षा पांचवी की पाठ्य पुस्तक से मिलता है। उदाहरण सुने, रूस, चीन, वियतनाम, क्यूबा और दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों में किसान और मजदूर सत्ता हथियाने के बाद देश पर शासन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में मिलों के मालिक देश पर राज कर रहे। ध्यान रहे कि जैसे ही आप यह प्रश्न उठाएंगे कि कक्षा पांचवी के इतिहास में इस उद्धरण का औचित्य क्या, शिक्षा का ऐसा भयावह लालकरण क्यों, तो तत्काल ही आपका मुंह दबाने के लिए इंकलाबी लाल झंडे लहराने लगे। अरुण शौरी की यह पुस्तक सिद्ध करती है कि भारतीय इतिहास आज भी अनकहा, अधूरा और पूर्वाग्रह पूर्ण दस्तावेज है। यदि जाने माने इतिहासकारों के लिखे हुए पर ताला लगाकर नए सिरे से कार्यारंभ किया जाए, तभी बेहतर सोच समझ के साथ सत्य के निकट पहुंचा जा सकता है। प्रशंसा करनी होगी कि अरुण शौरी ने बहुत ही साहस के साथ इतिहास और विचारधाराओं के मठों और मठाधीशों पर प्रहार किया है। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।